नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 जीके के पार्ट 7 को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के टॉप 25 जीके के पार्ट में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है टोटल ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। वहीं अगर हम सूक्तियों की बात करें तो टोटल 1028 सूक्तियाँ हमारे मंडल में हैं। तो दोनों आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद नामक जो कृति है किसकी है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अलबरूनी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अलबरूनी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है किताबुल हिंद, तथा यह जो पुस्तक है अरबी भाषा में है। किस भाषा में है? अरबी भाषा में यह पुस्तक लिखी गई है। तथा यह जो अलबरूनी था 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी बिहार की जो स्थापना है किस शासक ने करवाई थी। तो इसका राइट आंसर है धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी बिहार की स्थापना कराई गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। बक्सर के युद्ध के समय, जो कि बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, उस समय अंग्रेजों का जो सेनापति था आपको बताना है कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय जो अंग्रेजों का सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। तो आप इसे याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध जब 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था तो उस समय अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। तथा यह जो बक्सर का युद्ध था अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जीत हुई थी अंग्रेजों की। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जिसका नाम है उडंट मार्टंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है भारत का जो हमारे पहला हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था उडंट मार्टंड, यह प्रकाशित हुआ था 1826। डेट भी आप याद कर लीजिएगा, 30 मई 1826 को यह समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था पहली बार कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो समाचार पत्र था यह भारत का पहला हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था जिसके प्रकाशक थे जुगल किशोर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को किसमें सुरक्षित रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है हीलियम में भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को सुरक्षित रखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का विश्व का पहला लिखित संविधान है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था 1 अप्रैल वर्ष 2010 को। तथा यह जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था 2009 था, जिसे भी आप याद रखिएगा। यह जो अधिनियम आया था 2009 में आया था, तथा यह जो प्रभाव में आया था लागू हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों एक चीज़ आप याद कर लीजिए, तथा यह जो शिक्षा का अधिकार है यह आर्टिकल 21A में दिया गया, मतलब आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। मूल जो अधिकार हमारे हैं आर्टिकल 21A, उसमें शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, संविधान के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कुल कितने प्रकार के रिट जारी करने की व्यवस्था की गई है। तो फंडामेंटल राइट्स का जब भी उल्लंघन होता है तो उनको लागू करवाने के लिए हमारे भारतीय संविधान में टोटल 5 प्रकार के रिट की व्यवस्था, यानी ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है। इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो ग्राम पंचायतों की गठन की व्यवस्था है DPSP राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोली संघ जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोली संघ का मुख्यालय पेरिस में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी चक्कर उसका लगाती है सूर्य का नामक सिद्धांत दिया गया था।
कॉपरनिकस, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। कॉपरनिकस के द्वारा हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। इस सिद्धांत से पहले जो सिद्धांत चला आ रहा था उसको कहते थे हम जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक जो सिद्धांत था वो टॉलमी के द्वारा दिया गया था, तथा उस सिद्धांत के अंतर्गत टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी जो है हमारी केंद्र में है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि इन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मौजूद है। तो ऑप्शन ए, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगर पृथ्वी के क्रस्ट की बात आए, पृथ्वी के जो पतली परत होती है पहली क्रस्ट उसकी अगर बात आए, तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 46.8%। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%। और उसके बाद तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है 8.13%। और चौथे नंबर पर लोहा आता है, लोहा की जो मात्रा है क्रस्ट में वो पाई जाती है 5%। ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ ये पृथ्वी के क्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। वहीं अगर पूरे पृथ्वी की बात है, होल पृथ्वी की बात है, तो होल पृथ्वी की बात जब आएगी, पूरे पृथ्वी की बात जब आएगी, तो उसमें जो लोहा होता है वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, टोटल 35.5%। इसे भी आप याद देखिएगा, जब पूरी पृथ्वी की बात आए तो सर्वाधिक मात्रा में पूरी पृथ्वी पे लोहा पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। तो इसे भी आप याद देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा जाएगा तंजानिया में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन जो ए है हमारा बिल्कुल सही है। तथा हमारे देश में जो GST है वह लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 को, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन जनपद यानी जिला स्तर पर कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय सहकारी बैंक, जिनको जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। यह जिला स्तर पर कार्य करते हैं तथा ये राज्य सरकारी बैंकों से ऋण लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए कोष उधार देता है, आपको बताना है उस रेट को क्या कहते हैं? तो ब्याज की उस दर को रेपो रेट कहते हैं, जिसके आधार पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, RBI होता है, वह कॉमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण मुहैया कराता है, तो रेपो रेट इसको कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं तब इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी में देखने को मिलता है कि किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है हमारा कृषि का क्षेत्र, इसे भी आप याद रखिएगा। जो हमारा कृषि का क्षेत्र है वह प्रच्छन्न बेरोजगारी का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला इंपॉर्टेंट है, निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है रैगनर नैक्स के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी, जिसका नाम है निर्धनता का दुष्चक्र। अगला इंपॉर्टेंट है, आवृत्ति किसके द्वारा मापी जाती है? तो ऑप्शन बी, हर्ट्ज के द्वारा आवृत्ति का मापन किया जाता है, तो ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो लाइट ईयर होता है वह दूरी की इकाई होता है, यानी ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है, दूरी मापने में प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। जो विद्युत मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वहीं अगर हम डायनेमो की बात करें तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं विद्युत सेल की बात करें तो जो विद्युत सेल होती है वह रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, सॉरी विद्युत सेल जो होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, यदि जो लिफ्ट होती है वो ऊपर की तरफ जा रही हो
तो व्यक्ति को अपना भाव में क्या परिवर्तन महसूस होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब व्यक्ति जो लिफ्ट होती है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है तो व्यक्ति को जो अपना भार है वह अधिक अनुभव होता है। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगर वहीं जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आती है तब व्यक्ति को अपना भार कम अनुभव होता है। तो दोनों स्टेज आप याद रखिएगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो व्यक्ति को उसका भार अधिक अनुभव होगा, जब लिफ्ट नीचे आएगी तो व्यक्ति को उसका भार कम अनुभव होगा। अगला इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह जे टॉमसन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह जे टॉमसन के द्वारा की गई थी। वहीं रडर फोर्ड के द्वारा जो प्रोटॉन की खोज की गई थी, वहीं जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पार्ट 7 में टोटल 25 जीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।